इस साधना के द्वारा आप शत्रुओं के जीवन में तबाही ला सकते हैं और शत्रु समान दुष्ट शक्तियों को भी पीड़ित मनुष्य के शरीर से हटा के उन दुष्ट शक्तियों को भी दंड दे सकते हैं, उन दुष्ट शक्तियों की ताकत नष्ट कर सकते हैं और उन्हें शक्तिहीन बना सकते हैं। आदेश जय महाकाल। मैं विश्वनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तंत्र साधनाओं में बहुत सी साधनाएं हैं जो अति तीक्ष्ण हैं और तीव्र प्रभावी हैं। तंत्र साधना वह मार्ग है जो मनुष्य के जीवन के अप्रत्यक्ष रूप से उसके अनुरूप परिवर्तन लाता है। भौतिक जीवन की इच्छाएं हों अथवा पारलौकिक शक्तियों के दर्शन की अभिलाषा, सभी इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य तंत्र मंत्र साधना मार्ग से कर सकता है। प्रायः बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं कि तंत्र साधना क्या है। तंत्र का अर्थ है प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जो अदृश्य रूप से मंत्रों ध्वनियों के आधार पर चलता है और मंत्र ध्वनियों और की जाने वाली प्रक्रियाओं से आपके जीवन में परिवर्तन लेके आता है। अदृश्य रूप से वो कारण परिस्थितियां बनाता है जैसा आप चाहते हैं। आज हम आप सभी को मां काली के अति प्रचंड महाकाली शमशान काली के सम्मिलित स्वरूप की तीक्ष्ण गुप्त साधना बताने जा रहे हैं। इस साधना के द्वारा आप शत्रुओं के जीवन में तबाही ला सकते हैं और शत्रु समान दुष्ट शक्तियों को भी पीड़ित मनुष्य के शरीर से हटा के उन दुष्ट शक्तियों को भी दंड दे सकते हैं, उन दुष्ट शक्तियों की ताकत नष्ट कर सकते हैं और उन्हें शक्तिहीन बना सकते हैं। अभी जो हम आपको साधना मंत्र बताएंगे वो आप अभ्यास के लिए पहले 11 दिन सिर्फ 11 माला करके देखें। शक्ति की तीव्र ऊर्जा अनुभव होगी और प्रचंड क्रोध भी बढ़ेगा, तो शिव मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र भी साथ में करते रहें। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम क्लीम काली महाकाली आओ काली, शत्रु के रक्त से नहाओ काली, वैरी की कमर तोड़ो काली, महाकाली महाकाली महाकाली। ओम क्लीम काली महाकाली आओ काली, शत्रु के रक्त से नहाओ काली, वैरी की कमर तोड़ो काली, महाकाली महाकाली महाकाली। ये मंत्र है। विधि है साधना नवरात्रि के समय करनी है। माला रुद्राक्ष की प्रयोग करें, 9 दिन में 1,25,000 मंत्र जाप करें। साधना संध्या के बाद कभी भी कर सकते हैं, एक निश्चित समय बना करके। आप जाप के लिए 2 बैठक भी बैठ सकते हैं अर्थात दिन में और रात में, परंतु एक निश्चित समय चुन लें कि आपको किस समय साधना करनी है और उस समय में आप परिवर्तन ना करें। दिशा पूर्व अथवा उत्तर प्रयोग कर सकते हैं, पूर्व अथवा उत्तर में से किसी भी दिशा की तरफ आप मुख करके जाप कर सकते हैं। सामने मां काली की प्रतिमा स्थापित कर लें, उनका पूजन करें और घी अथवा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भोग के रूप में शराब अर्पण करें एक पात्र में, और जहां पर शराब उपलब्ध नहीं है वो लोग बिना शराब के भी इस साधना को कर सकते हैं। फिर जाप प्रारंभ करें। वस्त्र काले धारण करें, आसन कुश का अथवा कंबल का अथवा लाल आसन। साधना के अंतिम दिन घी में पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा शराब अथवा सरसों के तेल का मिश्रण बना करके उस मिश्रण से आपको 10 माला आहुति करनी है। एक और दूसरी विधि है जिस विधि में आप लघु तरीके से भी इसका अनुष्ठान कर सकते हैं इस मंत्र का, तो वो दूसरी विधि भी आप समझ लीजिए। यह एक लघु विधि है जिसमें कि आप रविवार से इसी क्रम में रोज 21 माला जाप करेंगे 21 दिन तक, और बाकी प्रथम विधि के ही अनुसार है सारी की सारी प्रक्रिया, परंतु यह विधि प्रथम विधि से कम मेहनत वाली और सौम्य है। आप सुविधा अनुसार चुनाव कर सकते हैं कि आपको तीक्ष्णतम विधि के साथ करनी है साधना या सौम्य रूप में करनी है। प्रयोग कैसे करना है समझ लीजिए। साफ जल लेकर के 11 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारे जल में और अभिमंत्रित करें और प्रार्थना करें, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सभी मेरे शत्रु समान है, उन सभी को नष्ट करें, विखंडित करें, दुष्ट शक्तियों को उनकी ऊर्जा क्षय करें मां महाकाली शमशान काली। फिर जिस घर में नकारात्मक दुष्ट शक्तियां हैं, मंत्र पढ़ते हुए जल छिड़कें उस पूरे घर में। ऐसा करने से जितनी भी उस घर के अंदर नकारात्मक दुष्ट शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं। अर्थात की
जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी आपके शत्रु के समान हैं और इस मंत्र के माध्यम से आप उनको विखंडित कर सकते हैं। एक और दूसरी विधि है, उसको भी आप समझ लीजिए। इस दूसरी विधि के माध्यम से आप किसी भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को सही कर सकते हैं। किस तरीके से प्रयोग करना है समझ लीजिए। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के शरीर में दुष्ट शक्तियां हैं, साफ जल अभिमंत्रित करके प्रार्थना करके उस पीड़ित व्यक्ति को पिलाएं, परंतु सावधानी रखें, प्रार्थना सही करें, स्पष्ट करें। दुष्ट शक्तियां शत्रु हैं, पीड़ित व्यक्ति नहीं। गलत प्रक्रिया करने से व्यक्ति का शरीर अकड़ सकता है और लकवाग्रस्त हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट प्रार्थना ना करने से जो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उसका भी दुष्प्रभाव व्यक्ति के ऊपर दिखाई दे सकता है। इसलिए प्रार्थना सटीक होनी चाहिए। प्रार्थना करें कि दुष्ट शक्तियों को नष्ट करें जो कि शत्रु हैं, और व्यक्ति की रक्षा करें मां महाकाली शमशान काली। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और प्रयोग है, किसी भी अमावस्या के दिन संकल्प लेकर के 11 माला जाप करें और 5 माला हवन करें रात्रि में कि शत्रु का नाश करें मां महाकाली शमशान काली और मेरे जीवन में समस्या ना दे शत्रु, उसको दंड दें। ऐसा करने से कार्य सफल होगा, आर्थिक नाश, मानसिक पीड़ा और शारीरिक कष्ट होगा शत्रु को। ये प्रयोग, तीसरा जो प्रयोग है, ये शत्रु को दंडित करने के लिए है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किसी को ही अनायास सताने के लिए यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी सिद्धि कीलित हो जाएगी, कार्य नहीं करेगी। एक और सावधानी आपको याद रखनी है, इस मंत्र का गलत भावना से अथवा निर्दोष पर किया जाने वाला प्रयोग पलटवार भी होगा, और इसके लिए इसको दुरुपयोग ना करें, आप समझें, ताकि आपका अहित ना हो। यह मंत्र गुप्त मंत्र है और एक मारक मंत्र, जिसके मारक प्रयोग नहीं दिए हमने, ताकि मनुष्य किसी का बड़े स्तर पे बुरा ना कर सके। दी जाने वाली साधना गुप्त साधना है, जो कि हमारे अर्थात भैरवी शिव के सी और विश्वनाथ अघोर की मार्ग, आंतर चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग से संबंधित है। इसलिए महादेव मां भगवती पर और देने वाले के प्रति आपकी निष्ठा अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी साधना का नियम है, साधना में जब आप दक्षिणा देते हैं तो ही आपकी साधना फलीभूत होती है। तो आपकी दक्षिणा यह है कि सदैव सत्य के मार्ग का पालन करें और साधना का दुरुपयोग ना करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ में इसी तरीके से गोपनीय गुप्त जो साधनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए निःशुल्क में। आदेश जय महाकाल।